अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल सामी किचन। डियर व्यूअर्स, हमारी आज की रेसिपी बीफ पुलाव। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में 300 ग्राम बीफ शामिल करेंगे। एक प्याज दरमियाने साइज का, 3-4 सब्ज़ मिर्चें बारीक वाली, 3-4 लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा शामिल करेंगे। तीन ग्लास पानी शामिल करेंगे। दो दालचीनी स्टिक, 2 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची और 4 अदद लौंग शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे और 1 टीस्पून सौंफ शामिल करेंगे। 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। यखनी तैयार है। अब हम एक देगचे में 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 2 तेज़पात शामिल करेंगे। 2 लौंग शामिल करेंगे। 1/2 टी स्पून साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। 2-3 दालचीनी स्टिक शामिल करेंगे। 1 प्याज दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाने तक पकाएंगे। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। चार से पांच बारीक सब्ज़ मिर्चें चॉप्ड शामिल करेंगे। बीफ शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे 5-7 मिनट के लिए। एक कप दही शामिल करेंगे। एक टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। दो ग्लास यखनी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। यखनी में बॉईल आने पर 300 ग्राम चावल शामिल करेंगे। चावल 1/2 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे।
जेंटली मिक्स करेंगे चावलों को। इस पॉइंट पे 5 मिनट के लिए चावलों को दम देंगे। जेंटली मिक्स करेंगे। मज़ेदार बीफ पुलाव तैयार है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।